Breaking lie of Maulana and Mufti on my channel, ex-Muslim Sahil official, stay tuned.

ये हमारे पैनलिस्ट के निजी विचार होते हैं ताकि आप खुद तय कर सकें कि, कि किसकी बात और किसके तर्क में कितना दम है कौन कुरान हदीसों के हवाले से कितनी ठोस और पुख्ता बात कह रहा है एक बड़ा तबका कहता है कि इस्लाम का मतलब ही पीस होता है क्या कहेंगे आप सबसे पहले हमारे लोगों की मांग है डिमांड है कि पैनलिस्ट जो हो उनका पूरा परिचय होना चाहिए जी मैंने पूरा परिचय कराया पैनलिस्ट हैं ये एक्स मुस्लिम हैं जी नहीं ये ये परिचय नहीं हुआ पैनलिस्ट जो है हमारे समीर हाँ। ये किस साहिल, साहिल। मानते ये तो पता चला साहिल से कम इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया हाँ। साहिल साहिल, साहिल, साहिल आप ना भाई मेरे साहिल आपने इस्लाम मजहब नहीं, नहीं नहीं एक मिनट सवाल मेरी तरफ से है ना इन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया जी तो कौन सा धर्म इन्होंने अपनाया ये तो बताएंगे लोगों को कोई भी धर्म को नहीं मानता हूँ मौलाना मैं कोई भी धर्म को नहीं मानता हूँ मेरे नजदीक धर्म का कॉन्सेप्ट रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही गलत है और ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि मेरे नज़दीक सारे रिलीजन जो है वो फेक है ये इंसानों ने बनाए हुए हैं और इंसान ही रिलीजन को बनाते हैं खुदा का तस्वूर इंसान देते हैं कोई खुदा जो है वो आसमान में आके नहीं कहता कि मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं मेरी ये बात मानो मेरी ऐसी बात मानो या ये जीने का तरीका है ये सब इंसानी कमाल है इंसान इस तरीके की हरकत करते हैं अब मैंने ये आपको बता दिया है अब जो आज का जो टॉपिक है okay. मेहरबानी करके आप उस बारे में बताइए ओके 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 नहीं मतलब आपको हिंदू धर्म भी अच्छा नहीं लगा कोई कोई रिलीजन मैंने कह दिया ना आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई मैंने साफ साफ कह दिया मेरे नजदीक रिलीजन का कॉन्सेप्ट फेक है वो हाँ लेकिन को नहीं मानते लेकिन है, अब लेकिन आप एक चीज एक चीज में एक एक चीज और ऐड कर दू मौलाना आपकी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर मैं हिंदू देवी देवताओं को अगर कुछ कहूँ भी तो कोई मेरा गला काटने नहीं आएगा लेकिन अगर मैं सिर्फ इस्लाम छोड़ देता हूँ बस उसी बुनियाद पे इस्लाम हुक्म देता है कि जो दीन बदल दे उसको कत्ल कर दो तो ये फर्क दूसरे धर्मों में और इस्लाम में है कि इस्लाम के अंदर ग्रे, इस्लाम ग्रे, क्रे, क्रे, के वजह से लोगों के अंदर कट्टरता आती है अरे भाई उन्होंने जा जाके चेक नहीं किए सारे धर्म उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया और मैं भी कोई भी धर्म नहीं, नहीं, नहीं मानना चाहता पूछना चाहता हूँ सुनिए अरे आपसे क्या पूछ रही हूँ आपने मुझसे कहा था धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मैंने वाला धर्म है समावेशी धर्म है तो हिंदू बन आप भी हिंदू धर्म दुनिया का सबसे लिबरल धर्म है समावेशी धर्म है तो कह रहे आप आप, आप बन 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 जाइए 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 ने नहीं पसंद भी हिंदू उनकी मर्जी आपको पसंद, आप 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 भन भन पसंद।, आपको पसंद है तो आप बन जाइए ना एक, इस्लाम से तो लाख मकान जब कोई एक सेकंड एक सेकंड साहिल साहब रुकिए 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 जब कोई मकान किसी को पसंद नहीं आता वो छोड़ता है तो दूसरे मकान में जाता है नहीं कई लोग नहीं नहीं जरूरी है मकान में नहीं जाता तो सड़क नहीं आता और सड़क पर सड़क पर तीन ही तरह के लोग रहते हैं सरवर साहब आज मैं साहिल क्या करते हैं इस पर डिस्कशन करने के, के लिए दरूरी नहीं आई हूँ मैं मैं इस पे जवाब दे दूं कि सब्जेक्ट पर बात करना चाहेंगे या नहीं मुझे सीधा, सीधा, पिनाश सीधा पिनाश जी साहिल जी पिनाज जी पिनाज जी मैं इनका इनका जवाब दे दूं इसी एग्जांपल पे आपने कहा सुनिए मौलाना जवाब लेते जाइए आप आप ये देखिए सुनते जाइए सलाम को हाँ, आप है ना आप जो भी एग्जाम्पल देंगे ना मैं आपको उसी एग्जाम्पल के आपके तोड़ूंगा मैं आपने कहा कि आप एक मकान में रहते हैं दूसरे मकान में आपको जब आप उससे हाँ, निकलते नहीं, नहीं। हैं दिज़ा। हाँ, दिज़ा। तो आपको दूसरे मकान में जाना चाहिए मुझे एक बात बताइए कि मेरे पास सामने जो है तीन मकान है या मेरे सामने एक मकान है उसमें बॉम्ब रखा हुआ है उसमें सांप है उसमें जानवर है तो क्या मैं घर से पहले बाहर निकलूंगा या ये देखूंगा कि जब तक दूसरा मकान नहीं मिलता मैं इस मकान से नहीं निकलूंगा ये बड़ी बेवकूफी वाली बात है इस्लाम में मुझे प्रॉब्लम लगा मैं निकल कर, गया मैं कोई रिलीजन को नहीं खानता देखेंगे जब तक तक सही इस्लाम जब, को जब तक, तक सही रास्ता नहीं मिल जाता तब तो तक, हम देखेंगे जानकारी पर परख लीजिए ना सरवर साहब बेहतर ही होगा कि वाकई में सच्चे मुसलमान थे भी नहीं मतलब, कि जो दावा कर रहे हैं सुनिए ना सरवर साहब सरवर साहब आप तो पांच वक्त के नमाजी और बहुत बेहतरीन मुसलमान है ना तो उनको काउंटर कीजिए ना उनकी गलत बातों से उन्हें साबित करिए कि गलत है मुझे लाने तो दीजिए इनको नी, इनको नी, मौलाना नी, को पता ना, है ना, है कि जो घर वो साबित नहीं हो साहब, मैं आपको जो साहिल से बात करनी है वो वोदा कीजिए मैंने आपसे क्या कहा आप मेरे टॉपिक पर आएंगे या नहीं टॉपिक पर ऑब्जेक्शन था मैंने आपसे टॉपिक ना वो बोल दिया उन्होंने ठीक है हाँ, नास्तिक, है, नास्तिक है ठीक है नास्तिक है भाई नास्तिक ये है साबित करिए हम आपके घर पे आ जाएंगे फिर से मौलाना नास्तिक लिखिए फिर डिबेट हाफिज गुलाम सरवर साहब अब आप बताइए साहिल एक नास्तिक है एक एथिस्ट है इससे आ, पहले सुन लीजिए पूरी बात इससे पहले उनका धर्म इस्लाम था वो पांच वक्त के नमाजी थे वो रोजगारदार थे इस्लाम के

करेंगे या नहीं जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस पर करेंगे या नहीं मुस्लिम की वजह से अरे ए, भाई हो तो क्या आपको पूरा मैंने उनका <laughs> दे, 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 दे भाषा में अंग्रेजी में दे दू मुझे दो ही भाषा आती है अंग्रेजी और हिंदी अंग्रेजी में दे यस यस अब अब आगे बढ़ाया जाए चलिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत जरा नवाजी का जरा ये बताइए आपको मैं सलाम करता हूँ बढ़ रहे हैं गुलाम सरवर साहब एक बड़ा तबका कहता है कि इस्लाम शांति का धर्म नहीं है इस्लाम हिंसा का धर्म है इस्लाम मारकाट सिखाता है कुरान और हदीस की आयतें भी यही कहती हैं। क्या कहेंगे आप जब, जब पॉलिटिकल पार्टियों में आप जाएंगे तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को हमेशा ऐसे ही कहती है जब आप आ, धर्म में जाएंगे तो आपने कहा ना दुनिया का बड़ा तबका तो दुनिया का बड़ा तबका कौन सा तबका यही तो असल मुद्दा है ना अच्छा कौन सा तबका आप मुझे कुरान या हदीस का हवाला दे सकते हैं जहाँ पर है। पर इस्लाम में शांति का पाठ पढ़ाया गया हो जहाँ पर भाईचारे के साथ रहना सिखाया गया हो जहाँ पर कहा गया हो कि जी बताइए अच्छी बात है ना लोगों को नॉलेज बढ़नी चाहिए मेरा ये नहीं है मैं इस्लाम धर्म की भी उतनी इज्जत करती हूँ जितनी हिंदू सिख या ईसाई या किसी और धर्म की करूंगी ये मेरे संस्कार है लेकिन साथ ही साथ जो सवाल लोगों के जहन में हमारे समाज से उठ रहे हैं वो पूछना और उसके बारे में सही जानकारी हासिल करना भी यही मेरा मकसद है यहाँ पर इस शो के जरिए

चलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप हदीस नहीं मानते हैं तो मैं साहिल को बोलूंगी कि वो हदीस का रेफरेंस ना कुरान जितनी आयत है वो नबी ने ही तो अपनी जुबान से कही है ठीक है ठीक है ठीक है कुरान और हदीस एक ही चीज है आप ये कह रहे हैं जी ठीक है सॉरी मुझे नहीं पता इसलिए मैं क्लैरिटी चाहती हूँ जी आगे बोलिए एक ही है ही जी। बाद के बाद के अरसे में अब तक लोग लिख रहे हैं लिखने दीजिए लिखने वालों को ठीक है सर ठीक है बिल्कुल तो लिखी जाएंगी तक। चीज़, आप चीज़, है। क्या आप हदीसों को मानते या नहीं मानते क्या को मानते या नहीं मानते मुस्लिम को मानते या नहीं मानते क्या मानता हूँ उसी पे तो बहस हो रही है ना कि आप क्या, मानते हैं अगर हदीसों को मानते हैं तो हदीसों के वो बताओ अगर सिर्फ कुरान को मानते हो तो कुरान का हवाला बताओ और कोर्ट हदीस को कोर्ट नहीं करना है कुरान रही से रही बता दे कि कहां कुरान खतना करने का जिक्र करता है तो ये फिर बच्चों पे जुल्म क्यों खतना कराने की जो सुन्नत आप लोग फॉलो कर रहे हो अगर वो कुरान में नहीं है तो क्यों जुल्म कर रहे हो लोगों पे नमाज जो आप पढ़ते हो पांच टाइम की जरा कुरान से बता दीजिए कि कैसे पढ़ना ना? है नमाज आप आवाज नमाज आप, नमाज जो आप पढ़ते हो आप आप कुरान सब, से बता दीजिए कि कैसे नमाज पढ़ना है जोहर की असर की ईशा की फज्र की कैसे नमाज पढ़ोगे मौलाना बिना हदीसों के तो कुरान आप तो आपको हम भी नहीं पता चलेगा आप बताइए ना तो कुरान ये बता दीजिए ये कुरान की आयत नहीं है सही चलेगा कि आज आप लोगों को हाथ

कोई references अपनी बात बिल्कुल बिल्कुल मैं कुरान दुनिया दुनिया जान रही है दुनिया का दगा दगा गुराँग गुराँग से से है।, है अरे हजरत कोरोना भी फास्टेस्ट स्प्रेड होने वाला वायरस था कोरोना भी फास्टेस्ट स्प्रेड होने वाला वायरस था चीज सुनिए मेरी बात सुनिए मौलाना सुनने की भी हिम्मत रखिए कोई चीज फास्टेस्ट ग्रो हो रही है तो उसका यह मतलब नहीं कि वो सही है, अपोस्टेसी रेट जो है अगर आप 24 अपोस्टेसी रेट है। गल्फ में, में लोग धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी वही शर्मिंदगी महसूस हो रही है जो आपको हो रही है हदीसों से और वो कुछ काम का ही नहीं रहता अभी आपने कहा है मेरी बातें सुन लीजिए हवाले ले लीजिए आप रही है सुनन इब्ने माजा सुनन हदीस पर आपसे डिबेट ही नहीं करूंगा अरे, अरे पर मैं नहीं करूंगा को पता करने लोगों को पता अधि... चलने दीजिए कि क्या क्या चीजें तो आप बताइए ना फिर मुझे हफीज गुलाम सरवर साहब कुरान का हवाला ले लीजिए नहीं कुरान पर ही कुरान की आयत को ही सही मानेंगे हो सकते हैं हदीसों पर डिबेट्स कराते हो, हो नहीं होंगे नहीं नहीं तो कुरान पर होगा क्यों कराते होता क्यों कराते आप पहले एक सब्जेक्ट तो मत कीजिए मत कीजिए आपका हुआ था कि नहीं

डिबेट नहीं करूँगा तो पूछ रही हूं कि अगर आप हदीस कश की बात नहीं है अच्छा यानी हदीस 100 परसेंट सही है आप ये उसमें डिबेट नहीं हो सकती मैं सिर्फ तो कुरान तो की आयत से आप अरे मैं एक मिनट में समझ नहीं पा रही हूं। मुझे थोड़ा समझा दीजिए आप नाराज मत हो मैं इतने प्यार से आपसे बात कर रही हूँ सुनिए तो सही मैं आपसे पूछ रही हूँ सरवर साहब मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए ना ताकि मैं डिबेट को उसी हिसाब से ले जाऊँ मैं आपका पूरा सम्मान करती हूँ सरवर साहब आप ये कह रहे हैं कि आप हदीस पर डिबेट नहीं करेंगे इसके दो कारण हो सकते हैं कि आप को हैं कि हदीस इतनी परफेक्ट लगती उसमें कोई आ, सवाल नहीं उठ सकता या फिर आप हदीस को नहीं मानते आप सिर्फ कुरान की आयतों को मानेंगे आप मुझे क्लैरिटी दे दीजिए ना कौन सी बात सही है फिर मैं आगे डिबेट नहीं नहीं हदीस हदीस का हमारा मुताला नहीं है या नहीं सिंपल सा क्वेश्चन ठीक है तो आप भाई हमारा मुताला नहीं है मेरी स्टडी नहीं है उस पर ज्यादा अच्छा, स्टडी नहीं है तो मौलाना आप मौलाना अरे मैं मौलाना ही नहीं हूं हु, हु, ही नहीं अच्छा मौलाना नहीं ये तो टीवी वाला मौलाना हूं मैं मैं हाफिज़ गुलाम सर हूं इतना तुम किस इस्लाम में थे यार तुमको नहीं पता हाफिज और मौलाना का फर्क अच्छा सिर्फ फर्जी हो क्या इसराइल से भेजा गया क्यों एक मिनट एक मिनट हाफिज हालिफ नहीं होता है हाफिज 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 मैं हूं गुलाम अल मेरी बात सुनिए मौलाना हाफिज इतना बड़ा मर्तबा है ना जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है आपको आमदा नहीं पता हाफिज इब्ने हजर अल असकलानी हाफिज नाम क्यों लगा है क्योंकि इतने बड़े आलिम थे वो उनको हदीसे बाकायदा एकदम बाइाहाट थी तब जाके हाफिज की कैटेगरी मिलती है ये तो आज की तारीख में जो सिर्फ कुरान रट्टा मार लेना उनको हाफिज कहते नहीं, हमें नहीं हमें है तो असल हाफिज है ना मुझे नहीं याद इमाम हाँ तो मसला ये है लेकिन आप पढ़े नहीं है लेकिन आपका इस्लाम जो है सिर्फ कुरान पे नहीं चलता ना लेकिन मैं 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 आपको नहीं। ये सुन लो, मैं... अच्छा ठीक है यहाँ पर हाफिज गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं वो मौलाना नहीं मैं है कृपया उनको सिर्फ और सिर्फ हाफिज बोला जाए और हाफिज जो है हाफिज बनने के लिए मेरे को दुरुस्त कीजिएगा सरवर साहब हाफिज बनने के लिए आपको हदीस नहीं पढ़नी होती है सिर्फ कुरान पढ़नी होती है मैं सही हूँ हाँ सिर्फ रट्टा मारना पड़ता कंठस्थ कर लिया हो गया हाफिज मायने मतलब याद है वो हाफिज हो गया चाहे उसका मतलब समझा कि नहीं समझा यस yes. 99 मतलब नहीं समझना मतलब के लिए बाद मुसलमान इस्लाम को समझते ही नहीं है उनको पता ही नहीं इस्लाम में क्या लिखा है जैसे हमारे हाफिज साहब है एक समझा और चला, चला गया साहिल साहिल और साहिल जब समझा तो सड़क पर चला गया अच्छा एक मजहब भी नहीं पसंद आया साहिल इसमें से निकल जाता है सिर्फ साहिल, साहिल ने ही समझा साहिल मिनट सुनिए ना हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं इन्होंने बहुत ईमानदारी बढ़ चुकी काश हिंदू धर्म पसंद कर लेते हैं अरे साहिब भाई आपको हिंदू इतनी सहिष्णुता हाफिज साहब आपको इतना सम्मान खास कारण है क्या आप दिल से हिंदू हो चुके हैं अरे दिल से हिंदू हो चुके हो बन जाइए आप व्यापकता हाँ

फिलाज जी मैं एक बात रख दूं इनके इनके पूर्वज के हवाले से इन्होंने कहा कि आपके शुरुवत से तरह से आपको पता है कि ये फर्जी सर्टिफिकेट लेके घूम ले रहे इनको हिंदू धर्म सुनी, पसंद नहीं इनको क्रिश्चियनिटी पसंद, पसंद नहीं इनको आपी आपी पसंद नहीं इनको पसंद नहीं इनको जैनिज्म पसंद है ये तो समझ में आएगा आप चलो चावल के बारे में आपको पता है कि कुरान क्या आपको कुछ भी नहीं पसंद ना सूर्य नंबर नाइनटी मैं सिर्फ कुरान का हवाला दूंगा उसका जवाब सिर्फ कुरान से देना आप

स किसको कहते हैं जो मूर्ति पूजा करे अल्लाह के साथ शिर करे काफिर किसको कहते हैं हिंदू जो है मूर्ति पूजा आपके आपके जो पूर्वज है, 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 आप अच्छा है आपके है पूर्वज के बारे में कोई ये कहे कि वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है हमेशा जहन्नम में जलाए जाएंगे हमसे इतना ही नहीं यहाँ पे खत्म नहीं हुआ आगे देखिए सुनिए जवाब लोगे नहीं लोगे भाई आगे देखिए मतलब तुम ही रहोगे आगे देखी, आगे देखिए देखिए अच्छा तुम्हारा सारी, भरोसा सारी, कुरान सारी, पर नहीं गीता पर नहीं रामायण पर नहीं बाइबल पर नहीं गुरु ग्रंथ साहब पर नहीं तो तुम आगे किसको दिखा रहे हो ये तो बताओ सरवर साहब सरवर साहब मुझे आप कुरान की आपने कुरान आपको कंठस्थ है ना हाँ मेरे मेरे उसका को? जवाब लीजिए पहले पिना जी मेरी बात का, दे का दे जवाब दे जी। दे जी। इनका जवाब दे दीजिए जो इन्होंने कहा इन्होंने एक आयत पढ़ के सुनाई देखिए मुझे तो नहीं पता चला इन्होंने क्या कहा लेकिन आपको कुरान कंठस्थ है आप समझ पाए होंगे इन्होंने क्या कहा ये कह रहे हैं कुरान की आयत के मुताबिक कुरान की आयत जो है जो आप जिनको अपना पूर्वज बता रहे हैं कुरान की नजर में वो है और जिनके साथ बुरे से बुरा होना चाहिए और उन्हें जहनुम में जाना चाहिए क्या सही कह रहे हैं इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं कहा जा रहा है वो साही तो साही कौन जहन में डालेगा साहिल इस्लाम कौन जहनुम में डालेगा अल्लाह अल्लाह डालेंगे अरे कौन डालेगा उसका नाम भी तो बताओ बताया है। अल्लाह। बस रुक अल्ला। जाओ के मायने हैं सत्य का इनकार कर देना सत्य है सूरज सत्य है चांद सत्य है धरती सत्य है आकाश अरे सुनो तो उस ज्यादा काबिल मत बनो अगर तुमने आसमान को कहा यह आसमान नहीं है यानी सत्य का इनकार कर दिया तो तुम तो अंधे हो ही तो जिसने सत्य का इनकार कर दिया उसे काफिर अगर कहा और जिसने आ, क्या कहते हैं खुदा के बराबर किसी और को माना उसे अगर मुश्रक कहा तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही तो तो आप इस बात को मानते हैं ना कि जो इस्लाम भाई

रह गया रास्ते मैं ने? बोलता अल्लाह हाँ के, के, अल्ला के सिवा दूसरे की इबादत करता है तो हिंदू जो है वो पूरे मुश्रकी है तो आपके हिसाब से और आपके अल्लाह के हिसाब से ये लोग सत्य का इनकार कर रहे हैं इस वजह से इनको हमेशा हमेशा अल्लाह जहन्नम में जलाएगा और कहता है की ये बदतरीन मखलूक है तो भाईचारा आएगा कहां से जब एक को आप जो आ तो ये सत्य का इनकार करना ही हुआ ना जो मूर्ति पूजा कर रहा है वो सत्य का इनकार ही कर रहा है ना तो आपके हिसाब से ये कुरान का जो कायदा है वो बिल्कुल सही है ना कि वो बदतरीन मखलूक है और उनको हमेशा हमेशा तो, जहन्नम में जलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजियस सुनिए साहिल साहिल मिस्टर साहिल कुमार आप हिंदू से मत जाइए ना आप मुझे सिर्फ इस्लाम की जानकारी दीजिए ना ना प्लीज सुनिए सर हिंदू की जानकारी में हिंदू धर्म मूर्ति पूजा करने वाला वेद के अनुसार भी मूर्ति पूजा करने वाला गलत है वो भी जाएगा अरे? नरक में क्यूँकी हिंदू धर्म गुरु है आप इस्लाम के जानकार और वही मैं कह रही हूँ मेरे शो में कोई भी मुस्लिम हिंदू धर्म गुरु इसीलिए मैं आपकी कोई भी जानकारी सरवर साहब मैंने आपसे क्या कहा मैंने आपसे क्या कहा सरवर साहब सरवर साहब मैंने आपसे क्या कहा यहाँ पर पैनल में कोई भी कोई भी हिंदू धर्म गुरु हिंदू हिंदू भी 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 को जानने वाला मौजूद नहीं भी है इसीलिए आपसे गुजारिश भी है सर सम्मान सुनिए मिनट सर सम्मान आप सिर्फ और सिर्फ इस्लाम तक बात को सीमित रखें मेरे ख्याल से इतनी तहजीब आप भी रखेंगे जब पैनल में जब पैनल में कोई हिंदू धर्म गुरु मौजूद नहीं है तो आप किसी दूसरे धर्म को बहस में मत लेकर आइए तो मेरी आपसे गुजारिश है इनको फिर फिर नास्तिक को भी हटा लीजिए वो तो पहले के किस से से अरे आपने मुझे अभी तक एक आयत, आयत नहीं पढ़ के सुनाई उन्होंने ले के साथ कितनी आयतें पढ़ के सुना दी आप भी तो काउंटर कर दीजिए उनका किसी आ, आयत के साथ लय से सुना दो ये लो और एक, एक सुना देता हूँ मौलानाबाँ पसंद तोबा मौलाना स्वाब मिलेगा थोड़ा रुक जाओ थोड़ा रुक जाओ की आखिखा दुनिया का कोई धर्म तुझे पसंद नहीं है सूरज सूर तोबा सूरज नंबर तो नौ आयत नंबर सत्ताईस अल्लाह के सवाब मिलेगा मौलाना तो क्या कहता है आपका अल्लाह के ए ईमान वालो मोमिनो मुशरिक तो पलीद है पलीद इम अनक्लीन ये आपका कुरान कहता है तो बताइए भाईचारा कहाँ से होगा को अहले किताब को आप लोग जो है वो मानते मानते हैं हैं साहिल एक सेकेंड सुनिएगा सरवर साहब अगर साहिल गलत कह रहे हैं अगर इस्लाम तूरी... को बदनाम करने की कोशिश हाँ। कर रहे हैं सुनिए मैं मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मेरे शो पे हर आदमी जो है गलत इंफॉर्मेशन ना जाए प्लीज समझिए एक जिम्मेदार शो है ये और इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर साहिल ये गलत पढ़ रहे हैं

एक पवित्र सर्वर सर्वर नहीं सकता। पवित्र पवित्र व्यक्ति है 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 साहब क्या होता है? पवित्र होने के लिए मुसलमान होना जरूरी है, आप इंसान जो साफ सुथरा नहाया धोया वो इंसानियत पे भरोसा रखता है जो इंसान गरीबों की मदद करता है अच्छा चाल चलन है वो भी तो पवित्र इंसान है या पवित्र होने के लिए मुसलमान होना जरूरी है इस्लाम के हिसाब से नहीं है पवित्र आपने सवाल सही किया पवित्र या बाहरी पवित्र हिंदू पवित्र, बा... मतलब दिख, पवित्र हो सकता है दिखता हिंदू पवित्र हो सकता है दोनों की बात मैंने क्या कहा हिंदू पवित्र ये? हो सकता है क्यों तो, नहीं हो सकता है साहिल इसमें तो, इस तो, क्या तो है? काबा क्यों नहीं जाने देते आंतरिक आत्मा जाने तो देते तो आप किस किसको तो जाने तो नहीं देते काबा काबा में क्यों नहीं जाने देते मक्का क्यों नहीं जाने देते चारों लाखों लोग वहां सर्विस कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं भाई नहीं तो वो, वो, नहीं 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 गलत नहीं गलत नहीं मक्का में मक्का, मक्का मदीना में, में, में तुम्हारा हज के लिए कैसे जाए ये उनकी अपनी गाइडलाइंस हो सकती हैं लेकिन सरवर साहब मैं एक बार फिर से टॉपिक पे आती हूँ जिससे आज हम बहुत भटक गए हैं ये बता दीजिए मुझे कोई कुरान की आयतों का हवाला देते हुए एक मिनट सरवर साहब एक सेकंड मेरी हाथ जोड़ के विनती आपसे साहिल आप कह रहे थे कि आपके पास ये साबित करने के लिए बाकायदा मौजूद हैं कि इस्लाम जो है वो हिंसा सिखाता है मारकाट सिखाता है। इस्लाम शांति का मजहब नहीं है शांति का दीन नहीं है और क्योंकि सरवर साहब को हदीसों का ज्ञान नहीं है तो वो आपसे इल्तजा कर रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ हाँ। कुरान की आयतों का हवाला दे आपको काउंटर कर सूर्य तोबा सूर्य नंबर नौ आयत नंबर एक सौ तेईस क्या कहती है <Sessizia> क्या कहती है ईमान अपने नजदीक के रहने वाले काफिरों से जंग करो और चाहिए कि वो तुम में सख्ती हाँ सख्ती मालूम करे और जान रखो कि खुदा पर आ, खुदा पर परहेजगारों के खुदा परहेजगारों के साथ है ये देखिए कुरान में है कि नजदीक काफिरों से जंग करो सूरत सूरत तोबा सूरत हाँ, नंबर एक है हाँ, है हाँ, तो फिर हाँ तो हम भी वही कह रहे हैं कि है, ये तो है मेरे कह, कह, कह रहे हैं देखो ठीक है तो सरवर साहब यानी कि कुरान में लिखा है लेकर रखा हूं ठीक है कुरान में लिखा ये हाँ हाँ जो आए तीनों ने पढ़ी है ये, है ये है? ये में है है लिखा कि काफिरों से जंग करो जी तो काफिर वो सही कौन? आपने पढ़ी है ठीक है काफिर कौन है किससे जंग करनी है काफिर सत्य का इनकार करने वाला जैसे एग्जाम्पल मूर्ति पूजा जो करते हैं ना कौन काफिर है ना सरवर साहब मूर्ति पूजा करने वाला काफिर है मूर्ति हाँ, ये, ये 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 आयत ये जो अभी साहिल ने पढ़ी है इसमें मूर्ति लिखा हुआ है क्या साहिल कौन मूर्ति पूजक काफिर कौने? है काफिरों क्या नहीं है ना तो मूर्ति पूजक काफिर है काफिर के माने मूर्ति पूजने वाला है क्या मूर्ति पूजक भी काफिर में आता है क्या मूर्ति पूजक में अहले किताब काफिर सॉरी मेरी बात है चलिए साहिल की डेफिनेशन लेते हैं साहब काफिर, 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 का काफिर कौन काफिर काफिर है अगर... का आपको काफिर 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 आप बताए पहले बताएं काफिर का अर्थ हिंदी में जो अल्लाह और उसके रसूल को ना माने वो काफिर है इस्लाम के हिसाब से जो मूर्ति पूजा करे वो काफिर है जो हजरत ईसा खुदा माने वो काफी रहे बताइए ना पहले ये तो, इनकार ये तो करने वाला आपने बता इनकार करने वाला काफिर और इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जो अल्लाह और उसको उसके रसूल को ना माने वो काफिर जो मूर्ति पूजा करे वो काफिर जो अल्लाह के साथ शरीक करे वो काफिर मौलाना हकीकत बयान कर दो ना अगरचे वो आपके खिलाफ ही क्यों ना हो आपको तस्लीम करना चाहिए मौलाना आपको तस्लीम करना है आपके हिसाब से जो आपने कुरान पढ़ी है ठीक है साहिल ने अपना इंटरप्रिटेशन दे दिया साहिल ने अपनी भाषा परिभाषा समझा दी आप अपनी परिभाषा समझा दीजिए ना कोई गलत ना दे दिया गलत दिया तो बताइए ना सही बताइए तो सही बताइए ना मैं आपका इंतजार कर रही हूं और आपको पूरा मौका दे रही हूं सही बताने का अरे अरे परसों आप हमको गूगल बता रही थी ना आज मैं आपको गूगल बता रहा हूँ व्हाट इज मीनिंग ऑफ काफ़िर गूगल सर्च आपको कुछ नहीं आता इसका मतलब आपको नहीं आती आपको का आपको हदीस भी नहीं आती तो आपको कुरान भी नहीं आ रही और आपको काफिर का मतलब भी नहीं पता है आप ये कह रहे हैं नहीं हमें मतलब आ रहा लेकिन आप वाला मतलब नहीं आता सर। ये जो एजेंडे दीजे वाला दीजे मतलब है ना जो चला है इसराइल और अमेरिका ऐसी नहीं उसको आप बुलाकर जो ला रही है एजेंडा भारत की धरती पर अधर्मियों के लिए जगह है ये मुझ पर आरोप लगा भारत की धरती पर अधर्मियों के लिए कोई जगह है क्या साहिल एक सेकेंड सरवर साहब साहब भारत की धरती पर के लिए कोई जगह है क्या? मैं फिर से न्यूज़ नेशन ये चला सुनिए सुनिए मिनट 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 आप आप बात बात को एक सीधी सीधी बात करेंगे ना मुझे तो बतौर हाफिज बतौर इस्लाम को जानने वाले आपका मुसलमान का जो लोग साहिल को सुनते हैं उनके पास इस्लाम की गलत जानकारी ना जाए साहिल अपने प्रोपगेंडा में इस्लाम को बदनाम करने की साजिश में कामयाब ना हो इसलिए आप सही बात बताएं बोलेंगे तो आप ही ना आपके बिना पर मैं नहीं बोल सकती मैं सिर्फ आपको मौका दे सकती हूं आप बोलेंगे आप दो मायने बता रहा हूं जी बिल्कुल दो मायने बता रहा हूं दुनिया का 99 परसेंट लोग इस पर मैंने एग्री होगा एक तो सत्य का इनकार करने वाला काफिर है सुन लीजिए दूसरे एक जो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग इस्लाम एक ईश्वरवाद का इनकार करने वाला अब साहिल एक ईश्वरवाद का इनकार करने वाला कौन कौन है हिंदू है जो मूर्ति ईश्वरवाद क्या हिंदू एक नहीं मानता एक मिनट मूर्ति एक नहीं एक हिंदू एक 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 हाफी साहब हाफी साहब बात का जिक्र ही नहीं नहीं मेरी बात सुनिए जिक्र नहीं है मेरे बच्चे मेरे उस्ताद अरे नहीं मूर्ति है जबरदस्ती तुम हिंदू मुस्लिम क्यों पहला नाराज रहे जो जो किस आप, में तो दिया गया। हो रहे हैं नादान के बच्चे आप, तुम हो तुम हिंदू हो ना वो नहीं चले सकते हैं मेरे साहिल आप प्यारे भाई लेकर जर्मनी से आ रहे हो जाओ आप जज्बाती हो रहे जज्बाती हो रहे आप सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए हो जाएगा तुम्हारा किसी भी धर्म में चले जाओ तुम

तो मुशरिक क्या होता है ये बता दीजिए मुशरिक जो अब मेरी बात सुनिए पूरा सेंटेंस पूरा करूं हाँ करिए करिए मुशरिक कहते हैं ईश्वर की शक्ति के बराबर किसी और की शक्ति को लाकर खड़ा कर देना हाँ। जैसे प्रधानमंत्री दो नहीं हो सकते मोदी जी के सामने किसी और को जबरदस्ती आप प्रधानमंत्री मारिएगा मानिएगा तो देशद्रोही हो जाइएगा वैसे एक ईश्वरवाद को चैलेंज करने वाले को मुशरिक कहते हैं 1 सेकंड तो हिंदू क्योंकि हम वो तो धर्म की जुबान में सिर्फ इस्लाम इस्लाम नहीं मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं मत करिए नॉलेज पूरी रख लेंगे उतना ही मददगार होगा सबके लिए आदत है बीमारी है बीमारी है ना तो पहले एक बीमारी का इलाज कराइए एक एक की नॉलेज पूरी रखिए

मैंने आपको बता ही दिया तो आप फिर क्या क्लियर कर रहे हैं अरे, हाँ एक वाद पर अरे भाई आपने कहा सुनिए ना आज बड़ी, बड़ी गलत फहमी आप मैंने आपने कहा कि हिंदू काफिर नहीं है इसी शो पे कई मौलाना ये कह गए कि हिंदू किसी की ओपिनियन एक ईश्वर हिंदू एक ईश्वर को मानता है या नहीं मानता बताइए हिंदू बुध परस्ती भी करता है हिंदू एक ईश्वर हिंदू करता है बुद्ध परस्ती, हाँ, हाँ, कर... करता है लेकिन एक ईश्वर को मानता है कि नहीं हाँ, मैंने कहा ना लेकिन ईश्वर में भी ब्रह्मा जी भी हैं और विष्णु जी भी हैं उसमें शिव जी भी हैं उसमें सभी लोग हैं ना मैंने आपसे क्या कहा कि एक 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 मिनट सुनिए मेरी बात फिर से सुनिए सरवर साहब क्या कोई भी शख्स हिंदू छोड़ दीजिए कोई भी धर्म जो बुद्ध परस्ती में यकीन करता हो वो क्या मुश्रिक कहलाएगा और मुश्रक होना क्या अल्लाह की नजर में गलत है वो इस्लाम की मुशरिक कहते हैं कुरान की भाषा में ठीक है और क्या मुशरिक होना अल्लाह की नजर में इस्लाम की नजर में गलत और है, है जी। मैं अगर मैं बतौर हिंदू मूर्ति पूजा करती हूँ तो मैं मुशरिक हूँ सबसे बड़े गुनहगार हो आप सही कह रही हूँ सरवर साहब मैं मुश्रक हूँ क्योंकि बदतरीन मखलूक है मैं बशरक हूँ तो मेरे लिए और अल्लाह की नज़र में मैं अच्छी नहीं हूँ बदतरीन मखलूक है पिनाजी, जी बदतरीन मखलूकान आप अल्लाह की नज़र में बदतरीन मखलूक है वो कह वो कह आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं जो भी, चौँपिली, चौँपिली, मेरा का मतलब कोई भी हिंदू कोई है. कोई भी सिख कोई भी धर्म को मानने वाला जो बुद्ध परस्ती करता है आप आए ना हिंदू पर अभी तो आप इस्लाम मैंने कहा ना मैंने क्या आए ना हिंदू आरोप कहता है इस्लाम पर ही मैंने पूछा कि इस्लाम की नजर में फिर से सुनिए कान खोल के सुनिए सवाल इस्लाम पूछा के बारे में क्या कहता है आप इस नहीं पूरी तो दुनिया को हाफिज सरवर साहब मैंने हाफिज सरवर साहब मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि इस्लाम की नज़र में हिंदू क्या है मैंने सवाल पूछा था इस्लाम की नजर में पूजने वाला सरवर साहब साहब सुन सुन लीजिए लीजिए मैंने आपको सुना मैंने सवाल ये नहीं पूछा था कि इस्लाम की नजर में हिंदू कौन है मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इस्लाम की नजर में बुत बुधपुरस्त कौन है आपने कहा मुशरिक है मैंने कहा अल्लाह की नजर में मुशरिक अच्छे नहीं है आपने कहा नहीं अच्छे नहीं है

बदतरीन मखलूक है यारिनाश जी कितने बार कह रहा हूं। ये कि पिनाश जी जो है वो अल्लाह के नजदीक बदतरीन मखलूक में से है क्या नहीं है ये सवाल करिए आप सरवर साहब जवाब पिनाश जी मूर्ति पूजा करती है क्या अल्लाह के नजदीक ये बदतरीन मखलूक में है क्या नहीं है एक शख्स चलिए मेरा नाम भी छोड़ दीजिए एक शख्स की भूखे आ गए हो नहीं नहीं सरवर साहब

बदतरीन मखलूक का मतलब छोड़ के नहीं आए हैं हाँ। इनका कॉन्ट्रेक्ट है जितने दिन का उतने दिन रहेंगे फिर तोबा करके वापस आएंगे। अच्छा, वापस आ जाएंगे ठीक <laughs> तो तो है सरवर साहब हिंदुत्व तरीन मखलूक का मतलब क्या होता है ये मतलब क्या होता है तो मुझे नहीं आता मैं जैसे आपने इतनी ईमानदारी से कहा जैसे, जो जैसे आपने इतनी ईमानदारी से कहा कि आपको हदीसे नहीं आती उतनी ईमानदारी से मैं कह रही हूँ मुझे नहीं पता बदतरी तो कह... अरे मैंने कहा कि जितनी ईमानदारी से आपने कहा मैंने आपकी ईमानदारी से प्रेरणा लेते हुए कह रही हूँ कि मुझे बदतरीन मखलूक का मतलब नहीं पता कृपया करके बता दीजिए नहीं आपको नहीं पता है तो बगल में आपके है ना साहिल साहब अरे वो, वो बता गलत बताएंगे ना मुझे उन पर भरोसा नहीं है।, नहीं है ना ये है वो, वो मुझे, है। मुझे उन पर भरोसा नहीं है वो गलत बता सकते हैं वही दे रहे हैं ना मैंने कहा मुझे उन उनपे भरोसा नहीं है, हो सकता है वो इस्लाम अरे इस्लामी पर आजकल टीवी वालों को भरोसा मुझे बिल्कुल नहीं है तभी तो आप मेरे सच वाला हम लोग तो झूठ वाले बने हुए नहीं नहीं आप बिल्कुल सच वाले हैं साहब वो तो वो सच वाले लड़े मेरे लिए वो बड़ा है बदतरीन मखलूक का मतलब बता दीजिए को प्लीज साहब जो जो भी जो भी, जो भी सच के साथ खड़ा होगा सत्य के साथ खड़ा होगा वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा अरे बदतरीन मखलूक का मतलब बता दीजिए ना कितने बार पूछा पिनाश जी ने तरीन मखलूक का मतलब नहीं तुमको पता है तो आ जाओ मैं ट्यूशन पढ़ा देता हूँ मुझे पढ़ा दो तरीन मखलूक का मतलब पता नहीं अभी तो पता आप मुझे बता सर्वर साहब साहब ज्ञान बांटने से बढ़ता है के मतलब क्या होते हैं सर्वर साहब ज्ञान बांटने से बढ़ता है साहब ज्ञान बांटने से बढ़ता है बता दीजिए ना अरे बता क्या दीजिए आप कहेंगे सूरत क्या मतलब होता है उसका सन मतलब होता है

साहिलोन डॉक्टर ने कार्यक्रम को रहे हैं सरवर साहब सामने बिस्किट हो बोले हम नहीं समझ बोले मैं नहीं समझ पा रहा साहब मैं आप ही की बात आप ही आप क्या लगाएंगे यहाँ ऐसी बड़ा बात कौन हो सकता है आप ही के मन की बात रख रही हूँ आप इसके मन मायने और क्या समझने

अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम लगाना जरूरी क्यों है आप सीधे सीधे ये हाँ. भी बोल सकते हैं कि भाई मैं एथिस्ट हूँ मैं नास्तिक हूँ उन्हें जी. आपकी मंशा में जिस तरह से आप अपना चैनल पे अपने यूट्यूब चैनल पे या अपनी जानकारी में इस्लाम की सारी नेगेटिविटीज बताते हैं तो उनको लगता है कि आपने सिर्फ इस्लाम छोड़ा नहीं बल्कि आपने हुँ. इस्लाम के खिलाफ एक पूरी मुहिम चला दी है इस्लाम को बदनाम करने की भाई आपकी निजी सोच थी ना कि आप इस्लाम छोड़ना चाहते हैं या आपकी निजी इंटरप्रिटेशन थी इस्लाम कहीं कुछ हो नहीं रहा सुनिए ना सर

मौलाना थोड़ा ब्रेक लगा दो मेरे से सवाल किया है जवाब सरवर साहब ये सवाल तो आपके मन का पूछा इन, ना मैंने इंसानियत सरवर साहब धर्म किस देश का है सरवर साहब सुन लीजिए ये सवाल मैंने गलत पूछा आप लोगों के मन में भी ये सवाल होता है ना वही सवाल पूछा ना मैंने आज वही सवाल पूछा ना आप सब्र से सुनिए तो सही कम से कम जी जवाब जवाब देने दीजिए देखिए पिनाश जी मुझे मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है आज भी मोहब्बत है और बिल्कुल मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि मैं आज भी मुसलमानों की मदद करता हूं फिनेंशियली भी और जो बच्चे जो है जिनकी एडुकेशन भाई में प्रॉब्लम आ रहा है मुसलमान बच्चे है मैं भी उनकी भी, भी उनकी भी मदद करता हूं इसके अलावा मैं चाहता हूं कि मुसलमानों के अंदर जो ये कट्टरता है जिसके वजह से वो एडुकेशन में पीछे जा रहे हैं वो जो दुनिया में जो आगे बढ़ना है साइंटिफिक में आगे बढ़ना है वो इस रिलीजन की वजह से इसकी कट्टरताओं की वजह से उसमें वो ध्यान नहीं दे पाते तो मेरा मकसद ये है कि मैं बताऊं लोगों को मैं कोई खिलाफ नहीं बता रहा हूं मैं वो चीज बता रहा हूं जो इस्लाम में लिखी हुई है स्क्रिप्चर में लिखी हुई है इस्लाम का हिस्सा है वो चीज मैं बता रहा हूं तो मेरा मकसद तो इस्लाम में कर, कर इसे दुरुस्त करने की कोशिश क्यों नहीं की इस्लाम आप जाते, में के पास, आप जाते बड़े जानकारों के पास उनसे बात करते आप छोड़कर किसी को गलत कहना ये कितना वाजिब है खिलाफ इस्लाम में रिफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है पिनाश जी क्योंकि इस्लाम के हिसाब से कुरान खुद कहता है कि ये जो दीन है परफेक्ट 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 हमने इस दीन को परफेक्ट किया तुम्हारे ऊपर जो परफेक्ट चीज होती है उसमें उसमें में में सुधार क्या इस्लाम में रिफॉर्म्स पॉसिबल नहीं है लेकिन आज हमारा जो है इसको मुझे यही अप करना होगा लेकिन बस एक आखिरी सवाल आपसे कि साहिल आप, आप एथियस भी लिख सकते हैं नास्तिक भी लिख सकते लिखता हूं क्योंकि मुसलमानों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी फहमी ये हो गई है कि एक मुसलमान कभी गैर मुस्लिम हो ही नहीं सकता या वो इस्लाम छोड़ ही नहीं सकता तो एक्स मुस्लिम लिखने से ये उनके जहनों में मैं बिठाना चाहता हूँ कि एक्स मुस्लिम होना कोई कोई पाप का काम नहीं है कोई एक ऐसा अजीब काम नहीं है ये एक नॉर्मल चीज है कोई अगर आपके घर से भी कोई मोहल्ले में भी अगर कोई इस्लाम दे, तो उनको जीने काउट न करे शोहर को ना छोड़ ये जितनी कट्टरता है ये इस्लाम की वजह से है और बड़ी बात कही जाती है की सिस्टम के खिलाफ की ये कितना जायजा है पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आता है बहरहाल आप दोनों ने अपने निजी विचार

एक सही राय कायम कर सके।